पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पप्पू यादव को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है और ये धमकी लॉरेंस विश्नोई गैंग के नाम से दी गई है। पप्पू यादव के पीए को सबसे पहले व्हाट्सएप पर मैसेज आता है और उसके बाद पप्पू यादव के बारे में पूछा जाता है, जहां पप्पू यादव को मारने की धमकी दी जाती है। सबसे पहले रात के करीब 2 बजे मैसेज आता है, फिर सुबह 10 बजे भी धमकी भरा कॉल आता है। पप्पू यादव के पीए ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि शिकायत पूर्णिया में दर्ज कराई गई है और कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पप्पू यादव को लॉरेंस विश्नोई गैंग के नाम से धमकी मिल चुकी है। पप्पू यादव को ये धमकी तब से मिल रही है जब वो मुंबई गए और उन्होंने बाबा सिद्दीकी मामले में सलमान खान का बचाव करते हुए उनसे फोन पर बातचीत की और भरोसा रखने को कहा। हालांकि पहले वाले मामले में एक गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन एक बार फिर से पप्पू यादव को धमकी भरा मैसेज और कॉल आया है। देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी किसकी करती है। 2 सप्ताह के अंदर ये दूसरा मौका है जब पप्पू यादव को लॉरेंस विश्नोई गैंग के नाम से धमकी मिली है। आपको बता दें, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव 2024 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय उन्होंने जीता है और लगातार विभिन्न मुद्दों पर बोलने के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली से राहुल गौतम की रिपोर्ट, बिहार तक।